वेल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये एक तरह से सिमिलैरिटीज रखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर्स एक हो गया हमारा इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इक्वल टू, एक हो गया हमारा नॉट इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर से ये कंपेयर करते हैं दो डेटा आइटम्स को, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड अपना लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन ग्रेटर देन। So all the types of operators are comparison operators. Okay, तो एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी और से अपनी हेडर फाइल इनपुट कर लीजिए, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन मेन फंक्शन जिसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए मैंने दो डेटा ले ली, लाइक इंट एक्स इक्वल टू इंट डेटा टाइप में एक्स वेरिएबल में एक वैल्यू ली मैंने 3 एंड वाई में मैंने एक वैल्यू ली 7। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू दोनों इक्वल है। ओके, हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे क्या एक्स इक्वल टू वाई है, क्या एक्स और वाई दोनों इक्वल है। तो कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करता है, हमें ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है। ट्रू या फॉल्स मीन्स अगर 0 आया तो फॉल्स होगा और अगर 1 प्रिंट हुआ तो ट्रू होगा। तो अभी जो हमारी कंडीशन है उसमें हमें 0 चाहिए कि फॉल्स है, 3 और 7 इक्वल नहीं है। तो अब मैंने इसे रन किया तो हमारे पास जो है आउटपुट में यहाँ 0 आना चाहिए, सॉरी ये मैंने प्रीवियस रन किया था, आउटपुट हमारा नीचे आया ये 0 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 7 की जगह 3 कर दूँ या 3 की जगह 7 कर दूँ तो अब हमारे पास 1 वैल्यू आनी चाहिए प्रिंट होगा। तो ये मैंने प्रोग्राम रन किया एंड हमारे पास आउटपुट आया 1। इसी तरह सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, लाइक एक नॉट इक्वल टू, क्या 3 और 3 नॉट इक्वल टू है, नहीं ये तो इक्वल टू है, हमारे पास क्या प्रिंट हो गया आना चाहिए 0 फॉल्स, ठीक है। वैसे ही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ वैल्यूज चेंज कर दूँ, यहाँ कर दूँ मैं 53, यहाँ कर दूँ मैं 37 और मैं कर दूँ क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या x जो है बड़ा या बराबर है y के, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नहीं नहीं तो 0 प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही हमारे सारे जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। कहाँ यूज होंगे, जब हम आगे और डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ जो है यूज होने वाली है। तो आप अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो सारे ऑपरेटर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, और आपको इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू आता है आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप उसे ट्राई कर सकते हैं एक बेसिक लेवल से, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपकी स्किल्स और इन्हेंस होती जाएगी। ओके, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, मैं कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।